पहले बता दिया करो यार। सॉरी, दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो हम किसी और का ब्रांड नहीं पहनते, अपना खुद का बहुआ का टीशर्ट। और दूसरा, लोटा यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि इतना प्रेशर है हम पे कि लोटा कभी भी काम आ सकता है। वैसे अंदर से मैं मानता हूँ कि नोटा और लोटा बेकार होता है, पर पांच राज्यों के चुनाव से निकलकर कई विचित्र बातें आई हैं, वो बताता हूँ, उसके तरफ आपका ध्यान लेकर जाता हूँ। कमल के हारने के बाद भी कमल की जीत होगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा किसी कमली ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस तरह शिवरात्रि के बाद गांजा किसी के काम नहीं आता, उसी तरह शिवराज के लिए कोई भांजा काम नहीं आया। सॉरी, ये बात सिर्फ ह्यूमर के लिए कही गई थी, वैसे तो मामा ने पंजे को कड़ी टक्कर दी वहां पे। रॉक सॉलिड, लव यू मामा। सेम टू यू, आई लव यू। ऑलमोस्ट 50 साल के कांग्रेस के युवा नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष डबल श्री राहुल गांधी जी ने अपने भाषणों से भाजपा को जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए और जीत कांग्रेस की हो गई। इस चुनाव में नेताओं ने अपने भाषणों से कितने वोटर्स को फंसाया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि अपने भाषणों से उन्होंने अपने कितने वोटर्स को हंसाया। पांच राज्यों में चुनाव के लिए मोदी जी ने कुल 32 रैलियां की और राहुल गांधी जी ने उनसे दुगनी से भी ज्यादा, यानी 77 रैलियां की। तो जाहिर सी बात है, गलतियां भी राहुल जी ने दुगनी की। सबसे पहले ये दिखाता हूं मैं आपको, अपने एक भाषण में राहुल गांधी जी ने रफाल का नया दाम बता दिया। देखिए कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 1600 रुपए में, कॉन्ट्रैक्ट मिले 1600 रुपए में, कॉन्ट्रैक्ट मिले 1600 में साइकिल भी नहीं आती क्यों अखिलेश भैया? और तो और, रफाल छोड़िए, राफेल नडाल के पैंट की जिप भी 1600 में नहीं आती। जाहिर सी बात है, इस भाषण के बाद भोजपुर विधानसभा की जनता, जहां पर राहुल जी ने भाषण दिया था, भोजपुर विधानसभा की जनता ने इनकी सीट कटवा दी और बीजेपी के सुरेंद्र को पटवा दिया। बीजेपी के सुरेंद्र पटवा जीत गए। और वैसे भी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सबूतों का हवाला, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला और राहुल गांधी जी के मुंह पर ताला। राहुल गांधी जी ने रफाल के बारे में इतना कुछ बोला कि कुछ लोग उन्हें राहुल की जगह रफाल गांधी बुलाने लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाले हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, शायद वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और उनसे कहें कि मिलॉर्ड कम से कम 4 दिन तो जीत की खुशी मनाने देते, फैसला बाद में दे देते। पर नहीं, राहुल गांधी जी ने कुछ वक्त पहले एक नया मुहावरा चालू कर दिया था, मुहावरा यही जिनका उन्होंने बहुत ज्यादा उपयोग भी किया अपने हर भाषण में। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुहावरे को बदल दिया है और राहुल जी को पुराना वाला मुहावरा याद करवाया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्यों राहुल जी? चुनाव प्रचार के दौरान एक और गलती वाला भाषण, जहां राहुल गांधी जी ने ट्रक में भी पेट्रोल डलवा दी। सही में देखो ना, आपके स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, ट्रक में पेट्रोल डालते हो? ट्रक में कोई बात नहीं, राहुल जी ने यह भाषण विदिशा में दिया था, लेकिन ये भाषण इनके फेवर में गया क्योंकि वहां पर भाजपा वाले ये साबित नहीं कर पाए जनता के सामने कि ट्रक में पेट्रोल नहीं भरता, इसलिए कांग्रेस के शशांक श्री किशन भार्गव की जीत हो गई, जिनके लिए भाषण देने राहुल जी खुद वहां आए थे। लेकिन ये जीत किस काम की? शशांक श्री किशन भार्गव जी, क्योंकि एक सांस में आपका नाम एक बार में करेक्ट तरीके से राहुल गांधी जी ले थोड़ी पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। नाम वाली एक गलती राहुल गांधी जी ने राजस्थान के झुंझुनू में भी एक भाषण के दौरान करी, जब वहां पे उन्होंने त्रेता के एक नेता के नाम पर एक योजना लॉन्च कर दी। सुन, कुंभकरण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ये जय हो प्रभु मैं राहुल जी को नहीं बल्कि कुंभकर्ण देव के लिए। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण का ये नाम वहां की जनता को बहुत भाया और कांग्रेस को वहां की जनता ने लिफ्ट कराया और यस, वहां कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया। राहुल जी का एक गड़बड़ वाला भाषण फिर से काम आया। यानी एक बात तो सही कि योजना का नाम चाहे कुंभकर्ण हो या कर्ण अर्जुन, आपके भाषण से लोगों को लोगों को हंसी आनी चाहिए। और तो और, हंसाने में तो राहुल जी नंबर वन चल ही रहे हैं, आप और मैं हम सब जानते हैं। वैसे मैंने नंबर की बात की और नंबर से याद आया कि इसी चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जी ने एक यूनिक नंबर की खोज की और वो नंबर क्या था? सॉरी, मेरे मुंह से वो नंबर निकल नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ खुद राहुल जी उस नंबर के बारे में बताएं। आप वीडियो दिखाएं। 35 लाख बेरोजगार युवा है। 35 लाख कितना होता है ये जानने की कोशिश एक आदमी ने भी की। कैसे? देखो
कितना खुश नसीब है ये इंसान, ये मानव, कम से कम अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना खोपड़ा दीवार में देकर दिखा तो दे रहा है, निकाल तो दे रहा है, हम कहां अपना सर मारे। लेकिन एक सेकेंड, हमको एक बालक का वीडियो मिला है जिसका नंबर ज्ञान राहुल जी के नंबर ज्ञान से मिलता जुलता, दिखाओ भाई वीडियो। किसका बालक है ये भैया, किसका बालक है? इस बालक को लगता है इसी टीचर ने पढ़ाया होगा जो ये टीचर है। देखो नटूरे फ्यूटूरे, सोचिए जब हमारे यहाँ पे टीचरों का नटूरे ऐसा है तो बच्चों का फ्यूटूरे कैसा होगा। लेकिन फिर भी बता दूं, जहां राहुल गांधी जी ने 35 लाख वाला भाषण दिया था, 35 वाला, वहां पर क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेवी जैन, कांग्रेस के कैंडिडेट वहां पे खड़े थे, नाम नेवी जैन, वो डूब गए। उनको 35% से कुछ ज्यादा ही वोट मिले, लेकिन डूब गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मामा जी की तरफ, जो अपने भाषण में पाकिस्तान की तरफ बढ़ गए और लहर विधानसभा को गलती से लाहौर विधानसभा बोल दिया। लाहौर, हाँ देखो, मेरे दिल में एक तमन्ना है, मेरे दिल में इच्छा है कि लाहौर विधानसभा में ऐसा विकास करूं कि लोग देखें कि विकास कैसा होता है। मामा जी, शायद लहर के लोगों को आपका यानी एक राष्ट्रवादी नेता का एक एंटी नेशनल रिमार्क पसंद नहीं आया, इसलिए मामा जी की लहर की नहर बना दी और कांग्रेस की लहर को लहरा दिया और वहां पर उनके कैंडिडेट को जिता दिया, मामा के कैंडिडेट को हरा दिया। वैसे कांग्रेस के एक इंदौरी नेता और इंदौर के कांग्रेसी नेता जीतू पटवारी का भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जब उन्होंने अपनी पार्टी के लिए तेल लेने गई है पार्टी। इनके इस बयान का बुरा नहीं मानना चाहिए, इनफैक्ट न पार्टी ने बुरा माना इनकी और न जनता ने, क्योंकि इनके नाम की तरह इनका भी एक ही सपना था, जीतू। और इस तेल वाले बयान के बावजूद भी ये जीतू, आई मीन जीत गए, क्योंकि जनता ने सोचा कि तेल इतना महंगा चल रहा है, शायद इनकी पार्टी अगर तेल लेने गई है तो जनता के लिए गई है तेल। आप भी जानते हैं कि तेल के बिना ना दिया जलता है और ना पहिया चलता है, तो तेल तो अच्छा होता है। थैंक यू। वैसे मिस्ड कॉल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी इस चुनाव के सीजन में एक प्रेस वार्ता के दौरान ब्लंडर कर दिया, इतना बड़ा ब्लंडर जिसे कांग्रेस पार्टी तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह जी ने टीवी पर सबसे ज्यादा दिखने वाले इन्हीं के पार्टी के नेता का गलत नाम ले लिया। पहले आप बयान देखिए, फिर उसके बाद में लोटा लेकर, मतलब उसके बाद मैं आता हूं। आप देखो, संदीप जी जवाब देंगे राहुल जी का। संदीप पात्रा जी, भैया बचाओ, ये तो जलजला आ जाएगा। हैं, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इनका असली नाम संबित पात्रा है, संदीप पात्रा नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप इनका नाम भूले कैसे, भूले कैसे? संदीप जी, सॉरी संबित जी, टीवी पर आपसे ज्यादा आते हैं, मोदी जी से ज्यादा आते हैं, राहुल गांधी जी से ज्यादा आते हैं, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता या प्रवक्ता से ज्यादा आते हैं, पतंजलि के एड से ज्यादा आते हैं, सारे टीवी चैनल पर कुल मिलाकर आने वाले लोगों से ज्यादा, अरे लोगों तो छोड़िए, सारे टीवी चैनल्स के लोगों से ज्यादा आते हैं। आप संबित पात्र को संदीप पात्र कैसे बोल सकते हैं? देखिए, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? इस पे कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा? हेलो, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वैसे देखिए, चुनाव के चुनाव के बारे में अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो सिर्फ हमारे नेता लोग ही बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं, हमारी भोली भाली जनता को इससे कितना फर्क पड़ता है, हैं? हमारी जनता को क्या ये पता है कि ये चुनाव हो कहां रहे हैं, कितने लोग इस चुनाव में खड़े हैं, कहां कहां से खड़े हैं? अरे ये सब तो छोड़ो, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव, यही जानने के लिए बहुआ की बंटी और बबली सड़क पर उतरे और उन्होंने क्या मस्ती करी, लोगों से जब पूछा तो क्या जवाब आया, आप ये देखिए, चुल्लू भर पानी निकाल रहा हूँ, फिर आप पछताओ, ये देखो जरा। क्या आप बता सकते हैं ईवीएम क्या है? ईवीएम, ईवीएम डोंट नो, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन।
I don't know. ये नहीं पता मुझे, नहीं पता. EVM? No. No knowledge, sorry. मुझे नहीं पता. No. नहीं पता है, कहाँ पता है. आपको नहीं लग रहा कि EVM में इतनी धांधली गड़बड़ी ये सब चल रही, तो हमें वोट पेटीएम से डालने चाहिए? अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा. हाँ, डाल सकते हैं, आजकल पेटीएम का ही चल रहा है हर चीज. हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है. हाँ, वो भी सही है. वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे डालना चाहते हैं, EVM से या फिर पेटीएम से. या फिर पेटीएम से. चुनाव जीतने के बाद जो सीट मिलती है वो सीट लोहे की मिलती है लकड़ी की? लकड़ी की भी होती है, एल्युमिनियम की भी होती है, लोहे की भी होती है, बहुत सारी होती है. वो तो कहने के लिए तो लोहा के देता है, लेकिन जब जी जाता है तो काट के दे देता है. मैं तो लेदर या फिर नॉर्मल वुडन प्रेफर करूंगी. लकड़ी की. लकड़ी की. लकड़ी की, उसमें थोड़ा स्पंज भी लगा होता है. लकड़ी की. लकड़ी की होती है. लोहे की होती है. लोहे की होती है. लकड़ी की मिलती है. लकड़ी की मिलती है. लकड़ी की. ये तो डिपेंड, कोई डिपेंड नहीं है, लोहे की या लकड़ी की या एल्युमिनियम की या स्टील की, ऐसे कोई. वो फॉर्म की होती होगी. लकड़ी और लोहे की तो नहीं देखी है मैंने कभी. लेदर. राजस्थान में कांग्रेस जीत गई है, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी वहाँ का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेंगे? किसी को कर दो, उनका कुछ नहीं होने वाला है. राहुल गांधी किसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, यही ऑप्शन है. हाँ, नोविता. नोविता. उसकी शक्ल भी मिलती है राहुल गांधी से. एमपी में बीजेपी हार गई है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? तो दे देना चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है. टाइम होता होगा ना, टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद वो इस्तीफा दे. मेरे ख्याल से एक मौका और देना चाहिए उन्हें. मेरे भी ख्याल से एक मौका और देना चाहिए. दी एंड तक उन्हें लड़ना चाहिए. एमपी का राष्ट्रपति पता है आपको कौन है? नहीं. यूपी का? यूपी का आई थिंक लालू यादव. दिल्ली का राष्ट्रपति कौन है अभी? ये आपका क्या कहते, भूल गया. गूगल मार के बताते हैं. यूपी क्या नाम है इनका? को एमपी का प्रेसिडेंट भी नहीं पता होगा फिर. आई नहीं, इंटरेस्ट नहीं है भाई इन्हों तो बिल्कुल भी नहीं है. यार यूपी का पता है, पेट में आ रहा नाम. पेट में नाम नहीं आ रहा है. प्रणब मुखर्जी. आनंद पाल था, उसे मार दिया. राष्ट्रपति कौन? दिल्ली. दिल्ली के राष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ जी. मोदी. नरेंद्र मोदी. प्रधानमंत्री कौन है? तो केजरीवाल है ना. अशोक गहलोत. केजरीवाल. वो जो क्या बोलते हैं उसको, केजरीवाल को. मैंने तो चुनाव में नाम ही नहीं सुना केजरीवाल का. भगवान माफ नहीं करेगा आपको. दिल्ली का प्रधानमंत्री कौन है? दिल्ली का प्रधानमंत्री वही नरेंद्र मोदी है. दिल्ली के मालिक हम हैं. बिहार का? वो भी नरेंद्र मोदी ही है. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो केजरीवाल कौन है? वो केजरीवाल तो वही है, नरेंद्र मोदी. भगवान माफ नहीं करेगा आपको. भगवान माफ नहीं करेगा. क्या हो रहा है भाई? मार्केट में हो क्या रहा है? ईवीएम की जगह पेटीएम, एमपी का राष्ट्रपति, लकड़ी की सीट, मोदी ही केजरीवाल. तो यार हमारी जनता, आपको एक बड़ा वाला प्रणाम बनता है. बहुत बढ़िया भाई, एम्बुलेंस बुलाओ. खत्म.